यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जैसे कि वर्किंग इन अ फैक्ट्री एक फैक्ट्री में काम करना एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है ऑफिस के अंदर काम करना वो भी एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है होटल में काम करना एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है या फिर कॉलेज के अंदर काम करना ये भी एक तरह के एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल है ठीक है इवन प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन ऑल्सो वर्क एज एम्प्लॉयज इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन जो है वो भी एक तरह से एम्प्लॉयज़ की तरह काम करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ की डॉक्टर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल एक जो डॉक्टर होता है वो एम्प्लॉयड होता है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजीनियर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री एक इंजीनियर जो होता है वो एम्प्लॉयड होता है फैक्ट्री के अंदर इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ऑल दो बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिस्टिंग प्रोफेशन हो गया या फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया ये सब अलग अलग है एक दूसरे से दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट ये सभी आपस में इंटर डिपेंडेंट है यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री बिजनेस एंटरप्राइजेस जो होती है वो प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को देश के अंदर में की एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है इंजीनियर like उसी तरह से प्रोफेशनल जैसे कि हो गई इंजीनियर चार्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट या फिर लीगल एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर इटीसी वर्क विद फ तो जैसे कि हो गए इंजीनियर या फिर सी या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट या फिर लीगल एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर ये सभी भी एक तरह से बिजनेस के अंदर फॉर्म के अंदर काम करते हैं फॉर टेकलिंग कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी बिजनेस फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम आती है, आती है, वो सब को हैंडल करने के लिए ये जनरल पब्लिक इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस इंटरप्राइज़ेज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनल्स को और नॉर्मल जनरल पब्लिक को भी एट द सेम टाइम सक्सेस ऑफ द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन वर्किंग विद और सही समय पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो सक्सेस होता है बिजनेस का वो डिपेंडेंट होता है उसके एम्प्लॉयिज और प्रोफेशनल जो कि उसमें काम कर रहे हैं यानी जी यहाँ कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे इम्प्लॉयिज जो होते हैं बिजनेस के अंदर जो भी काम कर रहे हैं प्रोफेशनल जो भी काम कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहा है तो वही बिजनेस के सक्सेस में उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है और अच्छे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस जरूर सक्सेस होगा और आपके जो इम्प्लॉयिज़ हैं या प्रोफेशनल है वो उतने क्वालिफाइड नहीं है उतने अच्छे काम नहीं कर रहे हैं लापरवाही कर रहे हैं तो वो फिर फेल भी हो सकता है उनका बिजनेस ठीक है Alright, तो अगला हमारा टॉपिक है बिजनेस यू हैव दैट द इंटायर रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बींगी क्लासीफाइड इन टू बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने यह सीख लिया है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इंटायर रेंज है उसको क्लासीफाई किया जा सकता है यानी कि बांटा जा सकता है तीन भागों में पहला है बिजनेस दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट तो ये तीन टाइप के हमने अभी पढ़ा ठीक है एमंग दीज थ्री कैटेगरीज इन तीनों कैटेगरी में से प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट दो इम्पोर्टेंट आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ कोर्स इनमें से तीनों में से प्रोफेशन और इम्प्लॉयमेंट इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन ये हमारे कोर्स के सिलेबस से बाहर हैं ठीक है तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे We are primarily concerned with business. हम लोग प्राइमरली कंसर्न है सो लेटस्ट डिस्कस अबाउट बिजनेस इन मोर डिटेल तो आइए डिस्कस करते हैं फीचर क्या होता है बिजनेस का आइये देखते हैं यू हैव लर्न दैट बिजनेस रिफर टू द्यूमन एक्टिविटी इंगेज इन प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज ऑफ वॉन्ट सेटिसफाइंग गुड्स एंड सर्विसेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हम लोगों ने यह सीख लिया है कि बिजनेस को रिफर किया जाता है एक ह्यूमन एक्टिविटी जो कि इंगेज है प्रोडक्शन में या फिर कोई भी चीज को एक्सचेंज करने में किसी आदमी को अगर कस्टमर को जरूरत है उसको चीज प्रोवाइड करने में या फिर कोई सर्विस किसी कस्टमर को जरूरत है उसको प्रोवाइड करने में और उसको उस इंटेंशन से किया जाता है कि जो प्रोवाइड कर रहा है कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सके ठीक है नाउ लेट अस स्टडी द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस तो आइए डिस्कस करते हैं पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस के वी कैन लिस्ट द लोइंग फाइव ब्रॉड फीचर आप बिजनेस हम लोग लिस्ट कर सकते हैं ये पांच ब्रॉड फीचर बिजनेस के सबसे पहला फीचर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना बिजनेस डील विथ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस जो है डील करता है गुड्स में और सर्विस प्रोवाइड करने में, में द गुड में बी कंज्यूमर गुड सच ए स्वीट जो गुड्स होते हैं यानी कि जो सामान होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं जैसे की हो गया स्वीट यानी मिठाई ब्रेड हो गया क्लॉथ हो गया कपड़े हो गया शूज हो गया जूते हो गया ए इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं दे मे बी प्रोड्यूसर्स गुड सच एस मशीन ETC. और ये goods हो सकते मतलब भी कोई और कंपनी है।, है या फिर जो भी चीज बनाने में हो सकता है उसकी इक्विपमेंट जो लगता है वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विच आर यूज टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स फॉर कंजम्पन जो की यूज होता है और भी आगे गुड्स को प्रोड्यूस करने में कंजप्शन के लिए बिजनेस ऑल्सो डील विथ सर्विस ट्रांसपोर्ट बिजनेस सर्विसेज में भी डील करता है जैसे कि हो गया ट्रांसपोर्ट करना कोई भी सामान को इधर से उधर पहुंचाना वेयर हाउसिंग सामान को इकट्ठा एक वेयर हाउस में रखना ठीक है बैंकिंग बैंकिंग भी एक तरह का सर्विस का बिजनेस है ठीक है बैंक वाले आपको पैसा रखते हैं और जो है उसके बदले आपको इंटरेस्ट देते हैं और बाकी सर्विसेज देते हैं ए कार्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये सब प्रोवाइड करते हैं आपको इंश्योरेंस हो गया इंश्योरेंस भी एक सर्विस बिजनेस है ए विच आर इंटेंजिबल एंड इनविजिबल गुड्स जो कि एक इंटेंजिबल और इनविजल गुड्स है इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते ठीक है तो इसको एक तरह से हम लोग इनविजिबल गुड्स भी कहते हैं दूसरा हमारा इसमें टाइप है प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज प्रोडक्शन करना या फिर एक्सचेंज करना यू कैन कॉल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी a बिजनेस ओनली वेन there इज प्रोडक्शन और ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और services फॉर वैल्यू हम लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक बिजनेस तभी कह सकते हैं जब उसमें कोई चीज प्रोडक्शन की जा रही हो या फिर ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज किया जा रहा हो सेल्स कोई भी सामान का या फिर सर्विसेज का ठीक है कोई एक वैल्यू देखे जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको उदाहरण समझाऊँ तो देखिए जैसे आप जो है कोई सिम यूज़ करते होंगे इंटरनेट का कर यूज करने के लिए कोई भी नंबर होगा तो उसमें जो है मान लीजिए जियो है आपका तो जियो वाले क्या करते हैं एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एक तरह से आपको कि आपको मैं जो है बात करना है ठीक है तो बात करने के लिए आप उनको पैसा देते हो तो वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपको इतना मैं मिलेगा इतना डाटा मिलेगा तो वो हो गया एक तरह से सर्विस प्रोडक्ट ठीक है

सच एक्टिविटी शूड कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन सेलर इस तरह की एक्टिविटी का किस कि तरह से वो लोग ट्रांसफर कर सके गुड्स या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन बीच में एक बायर और एक सेलर के बीच में ठीक है द गुड्स में बी बार्टर्ड और एक्सचेंज फॉर मनी जो गुड्स होते हैं यानी जो सामान होते हैं उसको हम लोग बार्टर्ड कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं पैसे ठीक है बार्टर्ड मतलब एक टाइप है आप जैसे माइकूर बाहर पे लेना ठीक है या फिर आप पूरा का पूरा सामान ही खरीद सकते हैं पूरे पैसे देके तीसरा इसमें हमारा आता है कंटिन्यूटी एंड रेगुलेटरी इन डीलिंग यानी कि कंटिन्यूटी होना चाहिए और एक रेगुलेशन से यानी रूल और रेगुलेशन से चलना चाहिए जो भी डीलिंग हो रही है ठीक है अ सिंगल ट्रांजेक्शन सेल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस एक सिंगल ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो उसको हम लोग बिजनेस की तरह नहीं ट्रीट कर सकते उसको मतलब हम लोग बिजनेस नहीं बोल सकते एंड एक्टिविटी इज ट्रीटेड एज बिजनेस ओनली वेन इट इज अंडरटेकिंग कंटिन्यूली और एट लिस्ट रिकरेंटली एक एक्टिविटी को तभी हम लोग कहेंगे कि एक बिजनेस है जब वो कंटिन्यू होता रहे या फिर एक तरह से एक जो है रिकरिंग जो है मोड में होता रहे मैप की बार बार होता रहे एक मैप टाइम पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उदाहरण दिया है इफ अ पर्सन सेल ही रेसिडेंशियल हाउस और एक आदमी जो है वो अपना घर बेचता है इट इज नॉट कंसिडर्ड एट बिजनेस उसको हम लोग बिजनेस की तरह नहीं कंसिडर कर सकते ठीक है ही बाई हाउस और वो दोबारा रिपीट करता हुआ हाउस खरीदता है और बेचता है दूसरे को सच एक्टिविटी कम अंडर बिजनेस तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये बिजनेस है ये तो कोई आदमी है जिसका मैं अपने घर बेचने और खरीदने का मतलब यही धंधा ही है ठीक है तो उसको हम लोग बिजनेस कहेंगे बट हाउ फ्रिक्वेंटली द ट्रांजेक्शन शुड अकर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ़ द एक्टिविटी लेकिन कितनी फ्रिक्वेंटली मतलब कितनी देर में वो एक्टिविटी बार बार होती रहे वो डिपेंड करता है कि उस बिजनेस का करने का जो एक्टिविटी कर रहा है उसका नेचर क्या है वो कैसा है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अप बिल्डिंग कंपनी टेक अ लॉन्ग टाइम टू मैन्युफैक्चर एंड सेल अ शिप एक शिप बिल्डिंग कंपनी होती है एक कंपनी होती है जो कि सीप बनाती है जो जहाज पानी में चलती है तो बहुत ही ज्यादा समय ले लेती है एक सीप बनाने में और उसको बेचने में जैसे छः-छः महीना भी लग जाता है एक एक सीप बनाने में ठीक है तो वो भी बिजनेस में ही आएगा एट द सेम टाइम लेकिन उसी समय पे अगर हम लोग दूसरा उदाहरण देखें तो अ वेजिटेबल वेंडर वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट इन द मॉर्निंग एंड सेल आउट टू हिज कस्टमर बाय इवनिंग एक जो है सब्जी वाला जो होता है वो सुबह ही सब्जियां खरीदता है, है मैप की थोक में और उसके बाद वो पूरा सब्जियां बेच देता है शाम तक तो उसके लिए वो भी बिजनेस माना जाएगा बट बोथ दीज एक्टिविटी आर ट्रीटेड एक्टिविटीड बिजनेस लेकिन हम लोग दोनों एक्टिविटी हम लोग कहेंगे की ये बिजनेस है चौथा हमारा इसमें टॉपिक है प्रॉफिट मोटिव यानी कि प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए बिजनेस करने के लिए अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना एक प्राइमरी मोटिव होता है बिजनेस का दिस इज नॉट टू अंडरमाइन द इम्पोर्टेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सर्विस इन बिजनेस एक्टिविटी इसको हम लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते कि जो इम्पोर्टेंट होता है सर्विस देना बिजनेस एक्टिविटी में ठीक है उससे इनफैक्ट बिजनेस विल प्लेरिस ऑनली वेन इट इज एबल टू सर्व इट कस्टमर टू देयर सेटिस्फेक्शन एक बिजनेस तभी आगे बढ़ेगा जब वो अपने कस्टमर को अच्छे से सर्व कर सके उनकी सारी सेटिस को पूरा कर सके प्रॉफिट आर एसेंशियल टू इनेबल द बिजनेस टू सरवाइव प्रॉफिट जो होते हैं वो बहुत ही जरूरी पार्ट होते हैं जो की बिजनेस को इनेबल करते हैं की वो सर्वाइव कर सके मार्केट में टू तो ग्रो और ग्रो कर सके मार्केट में और एक्सपेंड और बड़ा हो कर सके अलग अलग जगहों पे पहुंच सके एंड टू गेट रिकन और उसको कोई रिक्नेशन मिल सके यानी उसको लोग पहचानने लगे कि अच्छा ये चीज हमको चाहिए तो इस कंपनी का लेना सही हो आप लोग भी जैसे कोई कोई फेवरेट कंपनी होगी तो उसी तरह से बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए प्रॉफिट जनरेट करना बहुत ही जरूरी है पांचवा हमारा टॉपिक है element of risk. इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है बिजनेस के अंदर आइए देखते हैं

बिजनेस इंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर होते हैं देयर आर टू काइंड ऑफ रिस्क इसके अंदर दो तरह के रिस्क होते हैं सबसे पहला रिस्क होता है रिस्क हुज पॉसिबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एंड कैन बी इंश्योर्ड वो रिस्क जिसकी पॉसिबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब ये अंदाजा लगा सकते हैं और उसको हम लोग इंश्योर भी कर सकते हैं ठीक है जैसे कि लॉसेज ड्यू टू फायर जैसे आग लग जाना इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्लड आ जाना में बाढ़ आ जाना या थिप्ट हो जाना चोरी हो जाना कुछ भी ये सब कुछ उदाहरण है पहले टाइप के ठीक है दूसरा जो टाइप होता है वो होता है रिस्क हुज probability cannot be calculated and which cannot be insured against दूसरा जो टाइप होता है उसमें जो है हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते और उसको हम लोग इंश्योर नहीं कर सकते उसको बचाने के लिए कुछ भी मैप की व्यवस्था नहीं कर सकते उदाहरण के लिए चेंजिंग टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी बदलती रहती है तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हमको जो है इवॉल्व होना पड़ेगा टाइम के साथ तभी हम लोग सरवाइव कर पाएंगे हाल इन डिमांड कोई भी चीज की डिमांड में कमी आ जाना जो लोग खरीदना ही बंद कर करते किसी भी रीजन से तो ये चीज हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते चेंजिंग फैशन फैशन चेंज हो जाना पहले कुछ और चलना था अभी कुछ और चलता है तो वो चीजें बदलती रहती हैं तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है शॉर्ट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जैसे रॉ मटेरियल ही मिलना बंद हो गया उसकी सप्लाई कम हो गई तो उससे भी हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसे मतलब उससे बचे दीज रिस्क आर टू बी कम्प्लीटली बोर्न बाई द एंटरप्राइज ये सारे रिस्क जो है कम्प्लीटली एंटरप्राइज में है बोर्न होते हैं ठीक है ओके okay, दोस्तों दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो आइए देखते हैं यू हैव लर्न दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट हमने ये सीखा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना यानी कि पैसे कमाना ऑल प्रॉफिट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज ए क्रिटेरियन ऑफ सक्सेस बिजनेस में नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग विथ सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉफिट एक, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को सक्सेस होने में लेकिन बिजनेस जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा लंबे समय तक अगर सिर्फ सोल ऑब्जेक्टिव यानी कि केवल मात्र ऑब्जेक्टिव बिजनेस का हो सिर्फ प्रॉफिट कमाना ठीक है तो सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है बिजनेस का यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है एज स्टेटेड बाई हेनरी फोर्ड हेनरी फोर्ड जी ने ये कहा था कि बिजनेस इज नॉट मेर मनी चेजिंग बट इट इज ऑल्सो शुड एम एट सर्विंग द कम्युनिटी बिजनेस सिर्फ एफ मनी चेजिंग चीज नहीं होनी चाहिए बट उसका ये भी पर्पज होना चाहिए या फिर एम होना चाहिए कि वो अपनी जो कम्युनिटी है जो लोग आसपास हैं और पूरा सोसाइटी है उसको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सके सर्व कर सके ठीक है अकॉर्डिंग टू उर्विक उर्विक जी ने कहा था कि प्रॉफिट कैन नो मोर बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस देन ईटिंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग तो उर्वित जी ने यह कहा था कि जिस तरह से सिर्फ ईटिंग जो है एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता जिंदगी जीने के लिए यानी जैसे हम लोग जीते हैं लाइफ अपना स्पेंड कर रहे हैं तो सिर्फ खाना खाने, -खाने लिए के लिए कर रहे हैं या नहीं आदमी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं बहुत सारी चीजें होती हेल्दी रहते हैं और इंजॉय करते हैं तो ये सब चीजें बहुत सारी चीजें होती है, 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 तो है। लाइफ में उसी तरीके से सिर्फ प्रॉफिट ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता उसके और भी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और बेटर जो है पर्पस होना चाहिए एक बिजनेस का ठीक है दस सर्विंग द कम्युनिटी इज रिगार्डेड एज एन दर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इसलिए एक कम्युनिटी को सर्व करना इसको भी एक तरह से रिगार्ड किया जाता है यानी माना जाता है बिजनेस का बहुत ही जरूरी ऑब्जेक्टिव इनफैक्ट सम ऑथर्स रिगार्ड सर्विस टू कम्युनिटी एज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और इनफैक्ट जो है कुछ ऑथर जो है ये मानते हैं यानी कुछ लेखक मानते हैं कि कम्युनिटी को सर्व करना एक मेजर ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का एंड स्टेट दैट दिस प्रोवाइड द मेन जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एज एन इम्पोर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी इसलिए यही प्रोवाइड करते हैं मेन जस्टिफिकेशन की जो है बिजनेस के एग्जिस्टेंस का बिजनेस का एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है बहुत ही जरूरी है ठीक है देअर फॉर वाई प्रॉफिट इज नेरी फॉर द बिजनेस मैन टू स्टे इन बिजनेस इसलिए प्रॉफिट जरूरी है बिजनेस मैन को अगर बिजनेस में रहना है ही आउट टू एम एट सम मोर फॉर इट्स सरवाइबल एंड ग्रोथ लेकिन उसको और भी उससे कई चीजें एम करनी पड़ेगी सोसाइटी को सर्व करने के लिए तभी जो है बिजनेस सर्वाइव और ग्रोथ कर पाएगा ठीक है